आजम किचन की तरफ से सलाम और आदाब। कैसे हैं मेरे व्यूअर? आज मैं काली मिर्ची का मटन बना रही हूँ। उसमें मैंने तेल ली हूँ 1/2 किलो और उसी के अंदर मैं ये जीरा डालूँगी और ये थोड़े से खड़े मसाले डालूँगी। हम इसको सौते करेंगे। अब इसमें मैं 1/2 किलो प्याज डालूँगी। इसको प्याज नरम होने तक भूनेंगे। डालूंगी 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे। हम इसको मिक्स करेंगे। हम इसको नरम होने तक छोड़ेंगे। अब इसी में मैं अदरक लहसुन डालूंगी। हमारा अदरक लहसुन भून चुका है। मैं 1 किलो मटन ली हूँ। ये पूरा मटन मैं इसी में शामिल करूँगी। अब मैं मटन को मिक्स करूँगी। अब हम इसको गोश्त का कलर बदलने तक हम भूनेंगे। हमारा गोश्त का कलर बदल चुका है। अब इसी में मैं दही शामिल करूंगी। मैं काली मिर्ची शामिल करूंगी और ये धनिया और जीरे का पाउडर है वो शामिल करूंगी। हम मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए। हरी मिर्ची डालेंगे इसमें। थोड़ा सा हरा मसाला डालेंगे। कलर बहुत अच्छा आया है मेरे व्यूअर्स। अब हम इसको क्या करेंगे, गलने के लिए छोड़ देंगे। दही का पानी, गोश्त का पानी छोटा है मगर मैं फिर भी थोड़ा सा पानी डालूंगी। चलिए अब हम गोश्त गलने के बाद आपसे मिलते हैं। हमारा मटन का पानी खरीब आ चुका है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी थोड़ी सी हमारे टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और इसी के अंदर मैं क्रीम डालूंगी। इसको हम मिक्स करेंगे। मिर्ची नमक सब बराबर है मेरे व्यूअर्स। अब हम इसको दम पे रखेंगे 10 मिनट के लिए क्योंकि हमारा तेल भी ऊपर आना है। चलिए अब इसको हम ढाप के रखते हैं। थोड़ा सा पानी है उसी में, मैं थोड़ा पानी सुखाऊंगी इसको। थोड़ा इसको करीब आने तक हम भूनेंगे। हमारा मटन रेडी हो चुका है। तेल भी ऊपर छूट चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे व्यूअर्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। काली मिर्ची के मटन के साथ मैंने ये पराठे बना रही थी तो मैंने आटा गूंथ के रखी हूँ। मैं नमक वो डाल दे के थोड़ा सा, तो मैं इसको क्या करूँगी, छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। उसके बाद हर रोटी को मैं बेलूंगी। बेल के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं पूरे रोटियाँ बेल ली हूँ। अब इसके ऊपर मैं तेल लगाऊंगी। इसके ऊपर भी फिर तेल लगाएंगे हम। मैं पूरे रोटियों को ऐसे ही कर लूँगी। मैंने पूरे रोटियाँ एक के ऊपर एक रख दी हूँ तेल लगा के, आटा लगा के। मेरे रेसिपीज़ आप लोगों को कैसे दिख रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? मेरे रेसिपीज़ आप लोग फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे हैं? कमेंट में बताना मेरे व्यूअर्स, मैं इंतज़ार में हूँ। अब मैं इसको, हमको जितने पेड़े होना है उतनी हम कटिंग करेंगे इसकी। तो
थोड़ी मेहनत का काम है मेरे व्यूअर्स, मगर चलिए अब हम बेलते हैं इसको। मैं पराठा बेल रही हूँ। हमारा तवा गरम हो चुका है, मैं इस पर तेल डालूंगी पहले। देख सकते हैं आप लोग, अच्छे परात अच्छी आई है, अंदर से भी अच्छा सेक ही गया भाई माशाल्लाह से। देख सकते हैं आप लोग अच्छे नरम हुए हैं रोटो। चलिए अब हम बाकी के लिए बना लेते हैं। मटन के ऊपर मैं बटर का बघार दे रही थी। हम इसको मेल्ट होने देंगे। उसी के अंदर मैं काजू डालूंगी और उसी के अंदर मैं बादाम भी डालूंगी। हम इसको मिक्स करेंगे। एक दफा ट्राई कीजिए मेरे व्यूअर्स इसको हमारे तरीके से। इसी में मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। चलिए अब हम गोश्त के ऊपर डाल लेते हैं।